नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? बताइए। ये नाशपाती को पढ़ के ना एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, तो मुझे इसलिए ऐसी आ गई। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है? नाशपाती है ना, मतलब हमारे टाइपिस्ट साहब ने गड़बड़ कर दी है। ये नाशपाती है भाई, नाशपाती नहीं है, है ना, नाशपाती है ये आपका। ओके, एक्चुअली वो एक जोक चला था ना बीच में कुछ दिन, कि एक लड़की फल लेने जाती है और वो बोलती है भैया डिस्ट्रॉय हस्बैंड देना, तो वो फल वाला ऐसे देखता है, क्या मांग रहे हो मैडम जी, कि नाशपाती है ना। अब यहाँ पाती लिखना चाहिए था उसको, बट लेकिन उसने पति लिख दिया है। ठीक है, ये शायद कुछ गड़बड़ हो गई है और ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो नाशपाती का पूछा गया था आपसे, पियर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका खाने योग्य भाग आपको कौन सा होता है? जो आपका बीच वाला, जो उसका गुद्देदार पुष्पाशन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनार का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? अनार का खाने योग्य भाग इनमें से कौन सा होता है बताइए? अनार का खाने योग्य भाग इनमें से कौन सा होता है? नाशपाती ही होगा भाई, पत्ती नहीं होगा वो। ओके, बताइए। नाश नहीं, वो खत्म हो चुका है क्वेश्चन, सॉरी। ठीक है, अनार का खाने योग्य भाग आपका कौन सा होगा बेटा? रसीले बीज। ठीक है, कौन से होते हैं? रसीले बीज होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, काजू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है?